हेलो फ्रेंड, आज मैंने ये स्पेशल किचन में बनाया है मेथी आलू और मटर की एकदम बढ़िया सब्जी। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसका देख रहे लुक, जितना अच्छा इसका लुक है उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर है। आप प्लीज़ इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए, और जिसका ये फेवरेट नहीं है उसका फेवरेट हो जाएगा, और जिसको पसंद नहीं है उसको पसंद आने लगेगा। प्लीज़ आप इस तरीके से बनाइए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका फुल वीडियो मेरे चैनल स्पेशल किचन में है। मेथी को ये देखिए मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, इसको कट कर दिया है। उसी के साथ ये देखिए आलू मैंने कुछ दो तीन आलू लेके पतले पतले कट कर दिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी आलू मेथी की सब्जी। को बनाने के लिए मैंने कुछ हरी मटर ले ली है, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप लो, नहीं तो नहीं स्किप भी कर सकते हो। वैसे तो ठंड सीजन में तो आजकल आसानी से मिल जाते हैं हरे मटर। और ये कुछ मैंने बारीक चॉप किए हुए लहसुन लिए हैं, और एक कटी हुई बारीक मैंने प्याज ली है। इन्हीं से हम बनाएंगे अपना आलू मेथी की सब्जी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दूंगी। और जब ये कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो गई है, हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। इसमें मैंने सरसों का तेल दे दिया है, यानी मस्टर्ड ऑयल। तेल जो है हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को पहले हम फ्राई कर लेंगे, तब हम मेथी का साग बनाएंगे, यानी मेथी आलू की सब्जी। तेल जो है हमारा गरम हो गया है, हम इसमें जो कटे हुए बारीक आलू हैं इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फ्राई करने से क्या होता है, जो हमारा मेथी आलू की सब्जी है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और इसको जल्दी थोड़ा सा हल्का पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट दे देंगे। आप चाहे बाद में भी दे सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा अभी दे दूंगी। इससे क्या होगा, ये जो आलू है हमारे एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और जल्दी से हल्के फ्राई हो जाएंगे। जो कि ये आलू फ्राई हो रहे हैं, मैं हाई फ्लेम पे गैस को कर दी हूँ, और इसे बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी एक एक दो दो सेकंड पे। तो चलिए हम इसको ढक देते एक सेकंड के लिए। एक सेकंड हो गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये हम थोड़ा सा और इसको फ्राई करेंगे जब तक ये एकदम आलू बढ़िया अच्छे से फ्राई ना हो जाए क्रंची। हम इसको एक से दो सेकंड के लिए फिर से ऐसे ही हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। दो सेकंड के लिए मैंने छोड़ दिया था। देखिए आलू एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, एकदम हाई फ्लेम में छोड़ा था। और क्या है, इसे फ्राई करते समय तेल की जो क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो क्या है कि कम तेल से आलू जो है हमारे जल सकते हैं। और ये आलू हमारे देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू को मैंने निकाल लिया है, देखिए कितने सुंदर बढ़िया गोल्डन कलर में हुए फ्राई, एकदम जले नहीं हैं। इसी तेल में जिसमें मैंने आलू फ्राई किया है, इसी
हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे और इसी में ही हम ये अपनी आलू मेथी की सब्जी बनाएंगे। प्याज जो है हमारा एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसी के साथ हम ये कटे हुए लहसुन है इनको ऐड कर देंगे। अच्छे से चला देंगे। इन्हें भी एकदम लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे लहसुन को। लहसुन जो है वो भी हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अब इसके साथ ये हरी मटर है इन्हें हम ऐड कर देंगे। इन्हें भी हम एक सेकंड के लिए, एक से दो सेकंड के लिए ऐसे ढक के छोड़ देंगे ताकि जो मटर है हमारे ये हल्का पक जाए। इसी के साथ मैं दे दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और जो कि मैंने आलू में थोड़ा सा दिया था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा दूंगी क्योंकि इससे थोड़ा नमक तेज हो सकता है सब्जी में, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट दे रही हूँ। सॉल्ट देने से क्या होगा, मटर जो है हमारे आसानी से जल्दी पक जाएंगे। इनको भी दो सेकंड के लिए ढक देते हैं। मटर को देखिए मैंने दो सेकंड के लिए छोड़ दिया था, मटर हमारे एकदम हाफ फ्राई हो गए हैं। अब इसी के साथ हम दे देंगे कटे हुए बारीक चॉप किए हुए मेथी। अच्छे से हम इसको चला लेंगे इसी में। गैस का फ्लेम अभी हम एकदम लो रखेंगे, गैस का फ्लेम। मेथी साग को भी हम दो से तीन सेकंड के लिए ऐसे ढक के छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। दो सेकंड हो गया है, हम साग को अच्छे से चला लेंगे। इसी के साथ हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मैंने पहले से थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दिया था, आधी चम्मच से भी कम है ये मसाले। हमें ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालना है ज़्यादा ज़्यादा करके, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इनको अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लो फ्लेम पे इसको दो से तीन सेकंड के लिए फिर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। दो से तीन सेकंड हो गया, हम इसको अच्छे से चला देंगे। हमारी ये जो मेथी की साग है बन के एकदम बढ़िया तैयार हो गई आसानी से, और ये जो आलू थे फ्राई किए हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको बहुत ही बता नहीं सकती आपको कितना बढ़िया
ये मेथी का साग का फ्लेवर लगेगा ना, जो जो नहीं पसंद करता वो भी खाएगा, और जो पसंद करता है तो उसका तो दिल खुश हो जाएगा। इसी के साथ मैं दे दूंगी कुटी हुई सूखी मिर्च, जिनको बोलते हैं चिली फ्लेक्स, जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए, जो नहीं खाते हो स्किप कर सकते हैं, और उसकी जगह पे हरी मिर्च डाल सकते हैं प्याज के साथ ही, लेकिन मैं ऊपर से दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है। मैंने 2 मिनट तक इसे पकाना है इसमें, और उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। आलू तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, और मैंने जो कि बहुत पतला आलू काटा था, जो कि वो तेल में ही पक गया, हमें अलग से इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बढ़िया मेथी आलू की सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब हम चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, फटाफट गैस को ऑफ कर देते हैं। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बन के तरीके से मेथी आलू की सब्जी बनती है, और ठंड के समय ये हरी मटर मिल जाए उसके साथ बनाओ तो बहुत ही अच्छा बढ़िया फ्लेवर आता है। ये देखिए बन के एकदम तैयार हो गया हमारी मेथी आलू की सब्जी, और बहुत ही बढ़िया, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरी तो बहुत ही फेवरेट है ये मेथी आलू की सब्जी। देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका लुक लग रहा है, जितना ही बढ़िया लुक है उतना ही बढ़िया ये खाने में इसका फ्लेवर है। और आप दाल चावल रोटी किसी के साथ खाइए, इसको बहुत ही बढ़िया लगेगा और बहुत ही यम्मी। आप जब कभी भी घर में मेथी लाने का मन करे ना, तो इस तरीके से मेथी आलू की साग बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनता है। जैसे कि मैंने बताया मेरी फेवरेट है, किस किस की फेवरेट है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, किसको किसको पसंद है मेथी आलू की सब्जी। और उसके लिए भी है जिसको नहीं पसंद है और इस तरीके से बना के खाएगा ना, उसकी भी फेवरेट हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो मेथी आलू की सब्जी की, इसके साथ हरी मटर बढ़िया एकदम, देख रहे हैं जितना अच्छा लुक लग रहा है ना उतना ही अच्छा फ्लेवर है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मिर्ची का भरवा जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा, एक बहुत ही बढ़िया पकौड़ा इसका तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस बड़ी मिर्ची की खासियत क्या है, इसका पकौड़ा खाने में जितना टेस्टी लगता है, और पहली बात तो स्पाइसेस बिल्कुल नहीं है, एकदम स्पाइसी नहीं है, और खाने में इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, और जो इसके अंदर की बीज है उसको हम हाथों से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बीज नहीं चाहिए पकोड़े में। इसको हम कट करके इस तरीके से सारे बीज को निकाल लेंगे। ये देखिए बड़ी आसानी से निकल जाता है, और इसे ऐसे हम झाड़ लेंगे। ये देखिए बीज मैंने सारे निकाल दिए। इसी तरीके से हम सारे मिर्ची के बीज हम निकाल देंगे। ठंड का सीज़न चल रहा है, मार्केट में बहुत आसानी से मिर्ची मिल जाती है बड़ी वाली, और इसका भरवा बना के या तो ऐसे ही इसको हल्का सा तेल में डाल के फ्राई करके खाओ खाने के साथ, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर लगता है, या किसी पकौड़े के साथ, किसी भी स्नैक के साथ खाओ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी सब्जियां मंगवाती हूँ तो अगर ये मार्केट में दिखता है मुझे तो मैं इसे ज़रूर मंगवाती हूँ, या तो खुद से ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली मिर्ची खाने के साथ बहुत ही पसंद है।
इसके बीज जो है मैंने सारे निकाल लिए हैं, ये देखिए थोड़े बहुत रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको हम अच्छे से झाड़ लेंगे और इसको उठा के हम फेंक देंगे, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने ये एक कटोरी से थोड़ा कम मैदा ले लिया था, सॉरी बेसन, इसको मैंने अच्छे से चाल लिया है ताकि इसमें जो भी कचड़े हों निकल जाएं, और हम इनका एक अच्छा बढ़िया बैटर बना के तैयार करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा एक स्पंज टर्मरिक पाउडर दे रही हूँ, इसको अच्छे से मिला लूँगी ताकि क्या है कि हमारी जो मिर्ची भरवे का कलर है एकदम बढ़िया सा आए। इसी के साथ मैं थोड़ा सा सॉल्ट दूंगी, एक स्पंज मैं इसमें ये देखें सॉल्ट दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन दूंगी। अजवाइन को हाथों से इस तरीके से क्रश करके हम देंगे। अजवाइन क्या है, हमारे डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है और एक अच्छा बढ़िया फ्लेवर देगा। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से एक अच्छा बढ़िया पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये जो हमारा भरवे का मतलब पकौड़ा बना रही हूँ, तो इसका जो पेस्ट है बैटर, ये ज़्यादा ना गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतला, एकदम ये मीडियम में होना चाहिए। इस तरीके से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये जो हमारा बैटर है भरवे वाला, ये दम बन के रेडी हो गया है। हमें एक बात का ख्याल रखना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए और ना ही कोई गुठलियाँ होनी चाहिए, हमें अच्छे से इन्हें फेंक लेना है ताकि इससे जो हमारा पकौड़ा बनेगा मिर्ची वाला वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा एकदम। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए इसका, मतलब ग्रेवी ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, जब हम इसे चम्मच से उठाएं तो ये आसानी से नीचे गिर जाए, देख रहे हैं, तो इसलिए हमें ना ज़्यादा इसे पतला करना है ना ही ज़्यादा मोटा। हमारा ये मिश्रण बन के तैयार हो गया है, तो अब हम चलिए इसमें मसाला भरने के लिए। ये मैंने दो उबले हुए आलू 2 से 3 ले लिए थे और ये कुछ सूखे मसाले हैं, हम इसका एक बढ़िया बैटर बना के तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, पैन जो है हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसी के साथ हम दे देंगे, इसी के साथ हम थोड़ा सा ये अदरक है, इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, ये कटी हुई हरी मिर्च है, इसे भी हम दे देंगे, इसे चला लेंगे। और इसी के साथ ये मैंने जो उबले हुए आलू थे इन्हें हल्का हल्का मैंने दरदरा मैश कर दिया है, हमें ज़्यादा इसे पेस्ट आलू को नहीं करना है, बस हल्का हल्का क्रश करना है। इसी के साथ हम दे देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, मैंने पहले से ही हाफ स्पून निकाल के रखा था, एक थोड़ा सा जीरा पाउडर है 1 चुटकी,
और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है, ये भी एक चुटकी है, ज़्यादा नहीं है, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। मैं सिर्फ जैसे कि 4-5 मिर्चियों में बना रही हूँ, तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से मसाला और आलू ले सकते हैं। ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, ये भी एक चुटकी है, ज़्यादा नहीं है। इन सभी को अच्छे से चला लेंगे। बेटा वो सब बर्तन धुल दो अच्छे से, तो पानी से धुलना है रगड़ के उसको, नहीं उसमें तेल है। हल्का सा रुको, हल्का सा मैं धुल के एक साइड रख दो, तो बढ़िया से रगड़ के धुलना। मसाला है भरवे वाला बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, ऐसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने आलू में नमक नहीं दिया था, इसलिए हम एंड में ये थोड़ा सा नमक हाफ चम्मच दे रही हूँ। इन सभी को अच्छे से चला दूँगी, क्योंकि खाने में अगर हम कोई चटपटा चीज़ बना रहे हैं तो उसमें नमक का फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। इनको अच्छे से मिला लेंगे इसमें बैटर में। बैटर है जो बन के रेडी हो गया है, हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बैटर को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मिर्च वाला पकौड़ा, जिसमें मैंने आलू फ्राई किया था और इसी में हम ये पकौड़े बनाएंगे। गैस ऑन कर लिया है, पैन हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, जब तक ये तेल गर्म हो रहा है हम एकदम लो फ्लेम पे इसको रख देते हैं। चलिए हम अपने मिर्च वाले पकौड़े तैयार कर लेते हैं। मिर्च पकौड़ा बनाने के लिए भरवा वाला, इसमें सबसे पहले ये जो आलू की स्टफिंग है हम इसमें भर देंगे अच्छे से हाथों से प्रेस करके। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से हमें उठा उठा के इसमें भर देना है और इस तरीके से हमें कर लेना है। बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही अच्छे इसका फ्लेवर आता है। ये देख रहे हैं, इसी तरीके से हम सारी मिर्चियों में ये आलू वाले स्टफिंग भर देंगे। जब हम ये मिर्च वाला पकौड़ा बनाएं तो सबसे पहले हम मिर्च को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे
उसके बाद ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको भी मैंने भर लिया है, इसी तरीके से बाकियों को भर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से आलू इसमें भर दिए हैं स्टफिंग को। और एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, हमें इसकी जो मतलब लकड़ियां हैं इसे हमें नहीं निकालना है, हमें ऐसे ही पकड़ के इसमें ऐसे इस तरीके से हम डिप करेंगे। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा इसको डिप करने के लिए जो फैला हुआ बर्तन होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं ली हूँ, मैं ये थाली में करके करती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से बैटर को लगा लेंगे इसमें खूब बढ़िया से। और तेल हमारा गरम हो गया है, हम इसे तेल में छोड़ देंगे। ये देखिए, और गैस का फ्लेम जो है एकदम लो होना चाहिए, तभी ये जो हमारा मिर्च वाला पकौड़ा है एकदम बढ़िया से क्रिस्पी बन के तैयार होता है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। मैं जब भी मार्केट से ये हरी मिर्च आती है तो मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। आरोही कॉपी रखी साहब, तुम तो इतनी सारी रख दी हो, खाली मैथ्स और उसकी रखो साइंस की। Настарчивайся.
केक बनाते उस क्रिसमस के दिन वैसे केक बनाना।